नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। हम एक ऐसे विकट समय में बात कर रहे हैं जिस समय देश मरघट में तब्दील है, लाशें गंगा यमुना तमाम नदियों में बह रही हैं और उनके घाटों पर थोड़ा थोड़ा खोदकर लाशों को दफनाकर लोग परिजन भाग रहे हैं। यह हाल इस सरकार ने देश के नागरिकों का कर दिया है और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि सरकार सिरे से लापता है, कहीं सरकार नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम इस दौर में लोगों ने सही ढंग से रिपोर्टिंग करने का जज्बा दिखाया है, हिम्मत हो रही है, कुछ बड़े मीडिया संस्थान सही ढंग की कवरेज करने का हौसला दिखा रहे हैं। एक तरफ हम पा रहे हैं कि लाशों को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है, लाशों की सही संख्या पर कहीं से भी कोई खबरें सही ढंग की नहीं आ रही, सरकारी आंकड़ों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। इस मामले में कुछ अखबारों ने बहुत साहसिक काम किया है, जिसमें दिव्य भास्कर जो गुजरात का अखबार है उसने यह आंकड़ा सामने हमारे लाया है कि किस तरह से सरकार लगातार झूठ बोल रही है, कितनी लाशें जलाई जा रही हैं, मार्च से लेकर मई तक कितनी डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार ने जारी किए, पिछले साल की तुलना में क्या हाल था, यह सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कम से कम ये तमाम अखबार यह बता रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा झूठा है, विश्वास करने योग्य नहीं। और शायद यही वजह है कि सरकार जब वैक्सीन को लेकर दोबारा सामने आई है और उसने कहा है कि इतने हफ्ते नहीं, इतने हफ्ते बाद आप दूसरा शॉट ले सकते हैं, दूसरा वैक्सीन ले सकते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि यहां भी सरकार ने जनता से झूठ बोला है। वह बोलती कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है इसलिए हम ये अंतर बढ़ा रहे हैं, तो लोग मानते, लेकिन रातों रात अचानक आके आप कहते हैं कि नहीं, यह अच्छा है कि आप इतने हफ्ते बाद दूसरा शॉट ले रहे थे, दूसरी वैक्सीन ले रहे थे, ले अब आप इसे बढ़ा दीजिए। यानी जनता का भरोसा सरकार के ऊपर से पूरी तरह से हट गया है। आज का हमारा शो खोज खबर फिलिस्तीन के नाम है, फिलिस्तीन पर जो इजराइल हमला कर रहा है, जिस तरह से निर्दोष मारे जा रहे हैं, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार में। विस्तार में बात करने से पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी इस पूरे इलाके महाद्वीप पर के बहुत ही मकबूल शायर फैज अहमद फैज की बहुत ही मशहूर नज्म फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है, मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है, मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली के पीछे कहीं दूर परदेश गया है, मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराये देश गया है, मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चांद दफना के गए हैं। आज जो हाल है, जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और इसके बारे में जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिस तरह से इसका सांप्रदायिकरण हो रहा है, इजराइल के पक्ष में लोगों को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वह इंसानियत के खिलाफ है। और इसके लिए हमने बातचीत की न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस से। आइए सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इजराइल फिलिस्तीन ही नहीं, बुनियादी तौर पर जो अपार्थाइड के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ इतना लंबा संघर्ष चला था, उसे खत्म करते हुए, उसे नेस्तनाबूद करते हुए एक दूसरे अपार्थाइड स्टेट के तौर पर उभर रहा है, लोगों की हत्याओं पर आधारित करके अपने को सुरक्षित कर रहा है। आज हम अपने दर्शकों के साथ एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिस पर कोरोना काल महामारी जो भीषण आपदा आई हुई है देश में, उसमें बहुत कम बात है और खास तौर से हिंदी पट्टी में बहुत कम बात है, वह है फिलिस्तीन, वह है इजराइल और हमला। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस। प्रबीर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हमले हैं,
जिस तरह से हमले हो रहे हैं, 113 से अधिक की करीब लोग मारे जा चुके हैं। जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास आंकड़ा है वो 113 का है, जिसमें बच्चों की भी संख्या काफी बड़ी है। आखिर क्यों दोबारा फिलिस्तीन इस समय जल रहा है, क्यों निशाने पर है, और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू तो हुआ था इसकी अल अक्सा मॉस्क पे, जो कि बहुत ही होली प्लेस मानी जाती है इस्लाम में, उस पर हमला शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले हुआ था, जिसमें वहाँ पर स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, तो इस पर काफ़ी लोग घायल हुए। उस वक्त 100 के ऊपर लोग अल अक्सा मॉस्क के अंदर घायल हुए। तो ये जो शुरुआत थी, इसके साथ साथ और दो चीज़ वहाँ पर हुई थी जरूसलम में। वो एक था कि एक वहाँ पर जो जगह है मॉस्क के पास ही है, वहाँ पर जरूसलम में जो बहुत पहले से बहुत पुराने बासिंदा है जरूसलम के, वहाँ उनकी मकान से उनको निकाल के वो जो सेटलर्स हैं, वो सेटलर्स उस पर कब्जा कर रहे थे। ये कोर्ट केस भी है, पर इसके उन्होंने दादागिरी करके वो कब्जा कर रहे थे मकानों को। तो ये दोनों चीज लेके काफ़ी असंतोष था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मार्च वो करना चाहते उस इलाके में जहाँ पर वो मकाने कब्जा करना चाहते हैं, वो फिलिस्तीनी लोग जहाँ रहते हैं, ताकि जरूसलम की जो क्या कहते हैं उसकी जो जनता है, उसको धीरे धीरे वहाँ से फिलिस्तीनी को बाहर कर दिया जाए और पूरे यहूदी जनता ही वहाँ पर हो, तो जिसे कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग का एक प्रक्रिया था। तो इस पर जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, इससे शुरुआत हुआ। जो आप बात कर रही हैं गाज़ा की, गाज़ा वहाँ पर 20 लाख की आबादी है, छोटी सी एक जगह है जहाँ पर वो बहुत ही घने बस्तियों में उनको रखा जाता है, और वो बाहर नहीं जा सकते उस इलाके से, तो उसको कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। खुला है, आसमान दिखता है, पर वो प्रिजन इसलिए है कि गाज़ा छोड़ के वो और कहीं जा नहीं सकते, न कि बाहर के लोग गाज़ा में आ सकते इसराइल की इजाज़त के बिना। तो पूरी उन पर कंट्रोल, बाहरी बॉर्डर्स जो उनकी समुंदर, उनकी आसमान, सब पर इसराइल का कब्जा है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ के तहत इसको इसराइल का ऑक्यूपाइड टेरिटरी ही माना जाएगा, जैसे फिलिस्तीन भी है, गाज़ा फिलिस्तीन की हिस्सा है। तो इस वक्त जो शुरू हुआ है, इसकी अल अक्सा मॉस्क पे जब इस तरह से अटैक, जुमे की नमाज चल रही थी जब, हाँ, तब उसके ऊपर जो अटैक हुआ, उससे जो आक्रोश था कि वहां से गाजा से भी कुछ रॉकेट्स फायर किया गया था इसराइल पे, और इसराइल में के हमला गाजा पर था जहां पर उन्होंने रॉकेट्स फायर किया और मिसाइल्स फायर किया गाजा पे, जिसके लिए आप जो कह रहे हैं वो पिछले 4 दिन से चल रहा है, और जिसके वजह से 100 के ऊपर लोग मारे गए हैं गाजा में, और इसराइल में भी करीब 7 लोग इस वक्त मारे गए हैं और कुछ लोग घायल भी हैं। तो पूरा एक तरफा इस बार पहली बार पूरा एक तरफा नहीं है। पिछले बार भी गाजा पर जब आक्रमण हुआ है, गाजा से मिसाइल फायरिंग हुई है, पर उस पर कुछ खास कुछ हुआ नहीं। इस बार सचमुच उनका लग रहा है कि उनकी इस मिसाइल अटैक, उनकी रॉकेट अटैक जो है, कुछ हद तक इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये एक परिवर्तन है जो पहले नहीं था। तो इसराइल इस वक्त उनकी पूरी सेनाएं गाजा के बगल में रखे हुए हैं, लगता है कि 1-2 दिन में शायद गाजा पे फिर हमला करेंगे, जो 2008 और 2013-14 में इन्होंने किया था। जी, एक बहुत सीधा सवाल प्रबीर, इसको लेकर बहुत भ्रम है और बहुत भ्रम फैलाया भी जा रहा है, वह यह कि आखिर इस समय जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से निशाने पर हैं, हम देख रहे हैं बिल्डिंगे की बिल्डिंगे गिर रही हैं, हमले हो रहे हैं, इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस समय जो हिंसा हो रही है, वह आप किसकी पाते हैं? क्योंकि लोग यह समझाने पर आतुर हैं कि नहीं, दोनों ही तरफ दोषी हैं, पहले उसने काम किया था, पहले इसने किया था। मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछती हूँ, आज जो हो रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में, वह उसका दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, इसमें तो अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक दो राय हो ही नहीं सकता।
क्योंकि गाजा और पैलेस्टाइन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, उस पर इस वक्त एक दूसरा मुल्क, उस पर अगर आप मानते हैं कि इसराइल अलग मुल्क है तो उस पर तब इसराइल की इस वक्त ऑक्यूपेशन है। तो जब ऑक्यूपेशन एक मुल्क का दूसरे मुल्क में होता है उस पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कि जो ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, कब्जा कर रहा है, उस पर बंदिश अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कि वो चीज़ें कर नहीं सकता, कि आप डेमोग्राफिक परिवर्तन कि जनता की वहाँ पर परिवर्तन करना कि यहूदियों को लाएंगे फिलिस्तीनियों को निकाल देंगे, ये नहीं आप कर सकते जो कि जेरूसलम में हो रहा है। तो वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वो गलत है और ये सभी लोग जानते हैं, न जानने की ये क्या कहेंगे एक नाटक कर सकते हैं, पर इस पर कोई शक नहीं है, सबको मालूम है कि हकीकत अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ही है। दूसरी बात कि अगर आप ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, आपने किसी पर कब्जा, आपका जमीन, आपका देश किसी ने कब्जा कर लिया, जो अभी इसराइल ने इस इलाके पे कर रखा है, पैलेस्टाइन की इलाकों पे कर रखा है, अगर आप टू नेशन थियरी को मानते हैं कि दो नेशन होना चाहिए था जो कि आपका आप ऑस्लो अकॉर्ड से जो निकला था, तो उस हिसाब से गाजा ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और इसीलिए ऑक्यूपाइड जहां पर एक मुल्क होता है तो उसको आर्म स्ट्रगल तक करने की अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अधिकार है। वो इस्तेमाल नहीं किया फिलिस्तीनियों ने आज तक, उन्होंने आर्म स्ट्रगल घोषणा नहीं किया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से वे सशस्त्र संघर्ष कर सकते हैं इसराइल के खिलाफ, करने की अधिकार है, राइट है, करे ना करे अलग बात है, अधिकार है। और इसीलिए बराबरी के सवाल नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑक्यूपाइड मुल्क है और एक ऑक्यूपायर मुल्क है। और अगर जैसे मैंने कहा टू नेशन टू स्टेट का जो फैसला था ऑस्लो अकॉर्ड में जो हुआ था 92-93 में जो ऑस्लो अकॉर्ड हुए थे जिसमें असर अराफात और उस वक्त इसराइल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दस्तखत किया था कि हम दो मुल्क होंगे, ये ऐसे ऐसे जगहों पे अलग अलग हम होंगे, ये सब फैसला हो चुका था। इसराइल पिछले 27 साल इसका नज़रअंदाज किया है, लगातार वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बढ़ाया है और पूरी अमेरिका के समर्थन से, और जिसको कह सकते जो वेस्ट है पाश्चात्य मुल्क है मुल्के हैं उनकी पूरी मदद से ये उन्होंने लगातार अपना विस्तार किया है और फिलिस्तीनियों को सिकुड़ते गए हैं कि आज फिलिस्तीन की जो टेरिटरी है जहाँ पर उनकी कम से कम एक इंटरनल कुछ सरकार जिसे कहते हैं पैलेस्टाइन अथॉरिटी वो है वहाँ पर, उनकी भी कंटिगुअस एरिया नहीं है, लगा हुआ एरिया नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो ये एक मुल्क होने का संभावना वहाँ ख़त्म उन्होंने कर दिया, इसीलिए ये एक तरफा हमले लगातार हुए हैं। और जब अब गाजा की बात करते हैं जहाँ से वो अपना प्रशासन हटा लिए थे फिर भी उसके ऊपर कंट्रोल रखे हुए अलग तरीके से, वहाँ पैसे की ऊपर उनकी कंट्रोल है, बाहर से कोई भी चीज़ आएगा जाएगा कंट्रोल है, पेट्रोल या डीजल आएगा उस पर कंट्रोल है, उसके बिना वहाँ पर बिजली घर नहीं चल सकता इसलिए बिजली पर नियंत्रण है। तय गाजा के लोगों के ये सवाल है हम कितने दिन इस जीवन को जिएंगे जहाँ पर हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से कोई लोग आ नहीं सकते, और इसके बाद हर चीज के लिए हमें इसराइल से परमिशन लेनी पड़ती है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, ये पूरे एक तरफ से एड आ रहा है क्योंकि हमें कोई चीज़ उत्पादन करने का हमारे पास क्षमता नहीं है, बहुत छोटा सा इलाका है, दिल्ली से उसका इलाका काफ़ी कम है, 20 लाख लोग ही है, समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इलाका नहीं हो सकता। तो 20 लाख लोगों की जो इस वक्त रेजिस्टेंस है कि वो रॉकेट फायर करने की क्षमता रखते हैं, ये एक इसराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इसको रोकने का उनका एक ही तरीका है, फिर वहाँ जाएं जो उन्होंने 2013-14 में किया था, 13 में किया था, और इस पर बड़े पैमाने पर उनकी लॉसेस भी होंगे, ये उनकी आशंका है। जैसे अभी हमास अभी रॉकेट चला रहा है, उनके पास कुछ गोला बारूद है क्योंकि इस बार वो रिटेलिएट भी कर रहे हैं, इस बार इसराइल में भी 6-7 लोगों का मारा जाना, एक भारतीय नागरिक का मारा जाना, ये सारी चीजें भी हमारे सामने आई हैं। तो ये जो हमास का रिटेलिएशन है
ये क्या बहुत से लोगों का कहना है कि इससे और ज्यादा आक्रामक होगा इसराइल, ये नहीं किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें भी पब्लिक डिस्कोर्स में लाई जा रही हैं इसराइल समर्थक हिस्से के द्वारा। देखिए, बुनियादी सवाल तो फिलिस्तीन की है कि क्या फिलिस्तीन आजाद मुल्क के रूप में रह सकता है, रहने का अधिकार होगा या नहीं होगा। और इसीलिए ये सवाल जुड़ा हुआ है इससे कि फिलिस्तीन प्रॉब्लम को आप क्या नज़रअंदाज करना चाहते हैं, क्या दुनिया कहती है आप रह रहे हो उस तरह से, कोई बात नहीं और थोड़े दिन रह लो, तो ये कितना दिन तक चलेगा ये सवाल है। भूलिएगा मत कि कलोनियलिज्म की खत्म होने के बाद यही 20वीं सदी में और आज 21वीं से ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में एक मुल्क के ऊपर दूसरा मुल्क का कब्जा, कलोनियल पावर का कब्जा, ये स्थिति फिलिस्तीन की है। तो ये अगर आप कहें कि फिलिस्तीन पराधीन रहे और कोई प्रोटेस्ट ना करे, इसका मतलब है कि आप इस अन्याय के साथ एक समझौता करें और आप सर नीचे करके जीने की आप सिद्धांत ले लेते हैं तब। तो ये क्या दुनिया के सामने जो सवाल है, क्या हमारा यही मत होगा कि हाँ यही फिलिस्तीनियों को करना चाहिए, उनको आज़ादी नहीं मांगनी चाहिए, पराधीन मुल्क की तरह, पराधीन जनता की तरह रहे, और जब इसराइल कहेगा ये मकान दे दो, ये इलाका दे दो, वो छोड़ के चले जाए, कहाँ जाए, छोटे से मुल्क है, जाएंगे कहाँ, गाजा के 20 लाख लोग करें क्या। तो ये सवाल दुनिया के सामने वो रख रहे हैं, और जब कहते हैं कि हमला गाजा की ओर से भी हो रही है, बिल्कुल है इस वक्त, पर क्या इसराइल बिना इस रेजिस्टेंस को कोई इज्जत फिलिस्तीनियों को देने के लिए तैयार है, ये तो सवाल है ना। और यही चीज अब आप सबके सामने है कि अगर वन स्टेट सॉल्यूशन में पहुंचना चाहते हैं तो अपार्टहाइड स्टेट जिसे कहते हैं कि कुछ लोगों पे इस पे अधिकार होगा, कुछ लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा, ये क्या दुनिया बर्दाश्त करेगी, सवाल तो ये हमारे सामने है। और इसलिए न्याय और अन्याय के बीच में ये कहना कि शांति रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसको हम मान सकते हैं। जी, एक चीज जो दिखाई दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन फिलिस्तीन के पक्ष में लगातार कम हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक कोई हस्तक्षेप कारगर नहीं किया, यहाँ तक कि जो अभी तक फिलिस्तीन के दोस्त देश हुआ करते थे जिसमें भारत भी शामिल है, ये तमाम देश जो मौजूदा स्थिति है उस पर चुप्पी साधे हुए, जो इंटरनेशनल पावर बैलेंस है वहां पर भी फिलिस्तीन के पक्ष में जो पावर बैलेंस करने वाले ताकतें हैं वो खड़ी नजर नहीं आ रही इस बार। जो आप इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया फिलिस्तीन के खिलाफ आप कह रहे हैं, वो दुनिया के स्तर पे सही बात तो ये है कि जो मुल्क हैं पहले कलोनियलिज्म के खिलाफ खड़े हो सकते थे वो खड़ा होना बंद कर दिए, जिसमें हम भी हैं, भारतवर्ष है, ब्राज़ील इस वक्त दूसरे खेमे में चला गया। पर ये कहना कि फिलिस्तीन की जो जायज संघर्ष है उसके पीछे लोग नहीं है, ये गलत होगा। राष्ट्र अपने हित में शायद इस वक्त अमेरिका से समझौता ज़्यादा कर रहे हैं, ये बात सही है, पर उसके खिलाफ जो आवाज़ है धीरे धीरे फिर उठ रहा है, और ये जो है इसराइल के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पहली बार ये सवाल आ रहा है, ठीक है आपने दो स्टेट सॉल्यूशन तो ख़त्म कर दिया, आपने तो रखा नहीं इस चीज़ को, उन्होंने कानून पास कर लिया करीब करीब पिछले बार, जिससे ये लगता है कि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है टू स्टेट सॉल्यूशन बनाने का। तो क्या होगा, तो ए वन स्टेट सॉल्यूशन में दोनों का अधिकार होना चाहिए, अब नहीं तो नस्लवाद की बात आएगी ना, एक अपार्टहाइड स्टेट की बात आएगी। तो ये क्या सही में दुनिया के सामने से ये सवाल हट जाएगा? पहली बार हुआ है कि एक फिलिस्तीनी महिला, फिलिस्तीनी मतलब उनकी ओरिजिन फिलिस्तीन है, वो इस वक्त अमरीकी की कांग्रेस वुमन है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है आप लोग जो कर रहे हो गलत है। तो इस तरह की आवाज़ अमेरिका के अंदर भी फिर उठने लगा है, तो पहले कमज़ोर हुआ करता था पर था, बीच पे गायब हो गया था, फिर बातें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जब तक
इसराइल की ये भूमिका रहेगी वेस्ट एशिया में, तब तक ये सवाल दबने वाला नहीं है। और मानचित्र अगर खोल के देखें, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क है वेस्ट एशिया में, तो क्या वेस्ट एशिया को पूरा अकेला सबका सबके जो विचार होगा उसको नज़रअंदाज करके इस तरह से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर सकता है? ये सवाल ख़त्म नहीं होने वाला है। जो सोचते हैं कि ये सवाल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसराइल इतना मजबूत है, इतना पावरफुल देश है, उनका महम गलत फहमी है कि ये हकीकत नहीं है। धीरे धीरे इसराइल को इसका सामना करना पड़ेगा कि एक छोटा सा मुल्क है और वेस्ट एशिया की जो बड़ा पॉपुलेशन है वो फिलिस्तीन के पक्ष में है। गाजा पे हमला, जो फिजिकल अटैक जिसकी आशंका जताई जा रही है, वो जो आशंका है वो कितनी मजबूत है, और अगर ऐसा होता है तो उसके रिप्रक्रेशंस, उसका असर, उसका दुष्परिणाम क्या होगा? दो सवाल हो गया, तो एक तो है कितनी संभावना है। देखिए, संभावना इस वक्त एक ऐसी रास्ते पे जा रही है क्योंकि दोनों टक्कर के जो रास्ते पे जा रहे हैं, किसी को हटने का संभावना नजर नहीं आ रहा है। हमास हथियार नहीं गिरेंगे, वो घुटने नहीं टेकेंगे, साफ है, क्योंकि वो एक ऐसे सीमा में पहुंच चुके हैं उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो हार मानना इस तरह से नहीं करेंगे। इसराइल के लिए इस वक्त दिक्कत ये है कि अगर वो अपना बमबारी बंद करे तो ये लगेगा उनको, उनके लोगों को, कि शायद हम हमास से कुछ हद तक डर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसराइल के लिए बहुत बड़ी खतर, बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा है लोगों के डर के ऊपर। अगर डर खत्म हो जाता तो दादागिरी भी खत्म हो जाएगा, तो ये डर इसराइल में इस वक्त है, तो क्या वो पीछे हट पाएंगे? तो इसीलिए इस वक्त अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत करने के लिए इस बार तैयार हुआ है, कल तक नहीं था, आज मान गया है। इसका मतलब है कि शायद अब कुछ बीच बिचाव करना पड़ेगा, नहीं तो इसराइल भी फंस गया है, नहीं तो इसराइल को छोड़ दिया था, तुम तीन चार दिन पीठ पाट लो उसके बाद देखेंगे। तो ये जो चीज है लगता है अमरीका के लिए भी मुश्किल पड़ रहा है, तो शायद अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीच बिचाव करने की बात होती है तो शायद हो सकती है। पर इसराइल के वक्त नेतन्याहू इलेक्शन अलायंस जो किया हुआ है वो बहुत ही राइट विंग फोर्सेस के साथ किया हुआ है, और जो जेरूसलम की इन घटनाओं के पीछे है, तो क्या वो संभव होगा? ये इसीलिए मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा दोनों पक्षों का इस वक्त पीछे हटना, तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर जंग यहाँ होगा तो इस वक्त बहुत नुकसान होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। गाजा में बहुत नुकसान होगा, पर गाजा का तो ये कहना है इस तरह से जिंदा रहना का मतलब है धीरे धीरे मरना, तो ठीक है, एक बार ही मर जाएंगे तो क्या है। तो ये जो एक स्थिति में पहुंचा दिया लोगों को, डेस्परेशन के मूड में अगर लोगों को पहुंचा देते हैं, तो ये इसराइल के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ जगह पीछे हटने के लिए बहुत कम बचा है, क्या हो पाएगा देखने की बात है। पर अगर जंग होता है, ये भी सही है कि ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा, क्या एक इस तरह से अपार्थाइड स्टेट 21st सेंचुरी में रह सकती है? ये सवाल दुनिया के सामने जरूर आएगा। हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हिंसा ना हो, युद्ध किसी के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई निश्चित तौर पर फिलिस्तीन को लड़नी ही होगी और वह लड़ रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि कोई ऐसा हस्तक्षेप हो और कुछ ऐसी बातचीत निकले जिसमें ये जो हिंसा है जिस तरह से और भयानक हो सकती है, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं वो हम सब लोगों को डराने वाले हैं। लग रहा है कि बड़े पैमाने पर बच्चे और बुजुर्ग इसका शिकार भी हो रहे हैं। तो न्यूज़क्लिक में हमने यह चर्चा की। प्रबीर, बहुत शुक्रिया।